विभाजन भविष्य के मौके पर चंबा पहुंचे कांगड़ा चंबा के लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आए हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने आज मेरी ड्यूटी 14 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों में लगाई है। उन्होंने कहा कि एक जवाहर नवोदय स्कूल में भी सरकारी कार्यक्रम है जिसका इंस्पेक्शन करने जाना है ताकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस स्कूल में किसी भी प्रकार की जो अनियमितताएं हैं उन सब का जायज़ा लेकर सरकार के समक्ष रख सकूं और इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ तथा वहां पढ़ रहे बच्चों से पूछताछ करूंगा। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं लोकसभा के सांसद के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचा और मुझे बहुत खुशी है। मुझे 5 से 6 बार बोलने का मौका भी मिला जिसमें मैंने कांगड़ा और खासकर चंबा जिला जो कि पिछड़े की गणना में आता है उसके बारे में सर्वाधिक बात रखी। उन्होंने कहा कि चंबा एक ऐतिहासिक शहर के साथ साथ तथा पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही खूबसूरत है और खासकर डलहौजी और खजियार को देखने बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर रास्ते खराब होने पर दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। इसको लेकर बाथरी नामक स्थान पर एक ट्रामा सेंटर खोला जाए, यही सबसे पहली मांग उन्होंने सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की खातिर खजियार से कालाटोप तक रोपवे तथा रेलवे को डलहौजी तक लाया जाए, ये भी प्रस्ताव रखा। आज चंबा प्रवास में मैं एक तो हमारी पार्टी की ओर से एक विभाजन विभीषिका दिवस हम 14 अगस्त को मनाते हैं उसके विषय में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई इस नाते में आया हूँ और एक मेरा सरकारी कार्यक्रम भी है, ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी आज मैंने इंस्पेक्शन भी रखी है ताकि वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के प्रिंसिपल से और वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मिलकर और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर है और क्या क्या कमियां हैं उन सब की मॉनिटरिंग करके, ताकि इस क्षेत्र का एक ही स्कूल है और ये केंद्रीय योजनाओं के द्वारा बनाया गया स्कूल है और इसके लिए मैं फिर वहाँ जाकर वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाओं की कमी है इस विषय में जाके उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे और जो कमियां होंगी उनको दिल्ली माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ उठाएंगे। इस नाते आज मेरा चंबा का दौरा है। हाँ, आज मुझे इस बार मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक फर्स्ट टाइमर MP होने के नाते मुझे लोकसभा में प्रश्नकाल में भी, शून्यकाल में भी और नियम 370 के तहत भी करीब करीब मुझे 5 या 6 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन सभी नियमों के तहत मैंने सांसद होने के नाते, कांगड़ा चंबा के सांसद होने के नाते, कांगड़ा के विषय में भी और विशेषकर चंबा के विषय में मैंने बड़ी ज़ोरदार शब्दों से बात उठाई है। मैंने वो बात उठाई कि चंबा के बाथरी नामक स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है और ज़िला चंबा में डलहौजी, खजियार और चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर है, सैलानी यहाँ आते हैं, दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं और दुर्गम रास्तों के कारण दुर्घटना की संभावनाएँ बनी रहती हैं, तो इस नाते यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। इस नाते मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि कम से कम चंबा नेशनल हाईवे के साथ बाथरी नाम के स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाए और मैंने आवाज़ उठाई है और आपके इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठाई है कि चंबा एक अलग सा क्षेत्र है, बच्चों को बहुत दूर हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला पढ़ाई अपनी पूरी एडवांस स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है। मैंने ये कहा कि कम से कम कोई बड़ा व्यावसायिक केंद्र, व्यावसायिक संस्थान भी चंबा में खुलना चाहिए। मैंने तो NIT तक की मांग की है, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिला भी था, मैंने कहा कि बड़ी जायज़ आपकी मांग है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैंने धार्मिक कॉरिडोर की बात की, चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर, चंबा का रुमाल, चंबा का थाल और चंबा का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, इस नाते एक ऐसा कॉरिडोर कांगड़ा से चल के चंबा और वहाँ से साच पास से लाहौल स्पीति और मनाली तक एक ऐसा धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी बात मैंने बड़ी मजबूती से ये मांग रखी है। ये सब मेरे क्षेत्र की जो कुछ बातें थी इनके लिए मैंने कोशिश की है। चुरा के लिए पिछड़ा क्षेत्र है और
रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मांग रखी गई है। तो ये सब बातें बड़ी मजबूती से उठाने का कोशिश भी की है और मैं तो कहता हूँ कि ये तो आगाज़ है, आप आके देखिए अंजाम क्या होता है। अगले लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें बड़ी मजबूती से और जो जो विषय मैंने रखे हैं लोकसभा में, अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जाकर जो जो विषय जिस मंत्रालय के संबंधित हैं उन मंत्रियों से समय ले के उनसे मिलकर उन विषयों पर गंभीरता से विचार भी किया जाए और उनकी हमारी जो मांग है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कैसे पूरी हो उस विषय में उनके साथ चर्चा भी की जाए। बहुत दूर है सर, चंबा सुरंग की मांग बहुत पुरानी है और चंबा से शिमला जाना हो तो 18 घंटे लगते हैं, तो इस विषय में क्या? नहीं, उसके विषय में भी मैंने कहा कि ये जो मैंने समय लिया है हमारे भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से, लेकिन थोड़ी परिस्थिति ये होगी कि मुझे जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है, तो अब सितंबर तक तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। जो जितने भी बॉर्डरिंग कंस्टिट्यूएंसी हैं पाकिस्तान के साथ लगती, उन सभी कंस्टिट्यूएंसी पर मेरी ड्यूटी लगी है। अब मैं 15, 18, 19, 20 के बाद वहाँ चला जाऊँगा। जैसे ही सितंबर में चुनाव समाप्त होते हैं मैं सभी मंत्रालयों से मंत्रियों से समय लेकर उनके साथ बात रखूँगा, लेकिन उनसे मिलने से पहले जो हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चंबा के भी और कांगड़ा के भी, उन सब के साथ मिलकर बैठकर उनके मार्गदर्शन लेकर, और मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि जिस मंत्रालय में हम लोग जाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र के, हमारी पार्लियामेंट्री के जितने विधायक हैं और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन सबको साथ लेकर हम जाके मंत्री लोगों से मिलेंगे ताकि जो मांगें उठाई गई हैं उनके ऊपर मजबूती से एक्शन भी होना शुरू हो जाए। सर बड़ी खुशी की बात है कि आप, अच्छा सुझाव है आपका, जैसे आपने रेल के विषय में बात की, मैंने डलहौजी खजियार इवन चंबा के लिए बात की है। इतना ऐतिहासिक शहर है हमारा चंबा, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के संस्कृति और यहाँ का विश्व विख्यात मिंजर का मेला, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव से मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु और जो सैलानी यहाँ इन समय पे पहुँचने चाहिए नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने रेल की बात की है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डलहौजी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खजियार, लेकिन हम लोग अभी तक उसको जोड़ नहीं पाए रेलवे से। तो मैंने ये मांग रखी है वहाँ बड़ी ज़ोरदार, मंत्री महोदय से मिलेंगे। मैंने तो मांग रखी है डलहौजी से कालाटोप तक वहाँ रोप वे का लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहे और पर्यटकों को सुविधा भी मिले, क्योंकि आपका जो जमाना है इस जमाने में जितनी अधिक सुविधा आप पर्यटकों को देंगे पर्यटक तब वहाँ आपके पास पहुँचेगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं हम दे पाएंगे तो पर्यटक कहाँ से आएगा? अब डलहौजी जैसा खूबसूरत क्षेत्र है लेकिन उसके जो एज़ पर इट्स रेपुटेशन जितने सैलानी आने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। कनेक्टिविटी का इशू है, रेल नहीं है, सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए बड़ी ज़ोरदार शब्दों से आवाज़ उठाई है और ये तो एक